मैनपुरी थाना कोतवाली क्षेत्र के ताल दरवाजा पर कल देर शाम पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की, जिसके बाद एक युवक रिजवान पुत्र गुलजार निवासी आसरा आवास का रहने वाला था, जिसको पुलिस ने दौड़ाया। जिसके बाद दौड़ता हुआ युवक तालाब में गिरा, जहां तालाब में पानी के साथ दलदल में फंसने से दर्दनाक मौत हो गई। 24 घंटे में जाने के बाद पुलिस ने अभी तक सबको बरामद नहीं कर पाया है। वहीं परिजनों ने योगी पुलिस की हाई हाई के नारे लगाकर चक्का जाम किया है। आपको बता दें, मैनपुरी में होने वाले लोकसभा उपचुनाव के चलते लगातार प्रशासन के द्वारा छापेमारी कार्यवाही की जा रही है, जिसके चलते कल देर शाम रिजवान नाम के युवक के घर पर छापेमार कार्यवाही की गई, लेकिन वह घर नहीं मिला तो पुलिस को सूचना मिली कि वह ताल दरवाजे पर है। जिसके बाद पुलिस ने ताल दरवाजे पर दबिश दी तो युवक भागने लगा और पास में बने तालाब में जा गिरा, जिससे उसके तालाब में पानी के साथ गहरा दलदल होने के कारण युवक की डूबने से मौत हो गई। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी युवक का शव बरामद न हो पाने के कारण आक्रोशित परिजन महिलाओं ने योगी पुलिस के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए खानगाह के सामने रोड पर जाम लगा दिया और योगी सरकार व पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। पूरे मामले को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने जानकारी दी कि युवक के खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें वह वांछित चल रहा था। आइए जानते हैं कि मृतक युवक के परिजनों ने और क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। अच्छा, मृतक कौन है आपका? भाई है। क्या नाम है उनका? अच्छा, क्या हुआ था, पूरा मामला बताएं। महमूद नगर में अपने तीन दोस्तों के साथ खड़े हुए थे, वहाँ से पुलिस ने उनको आवाज दी, वो उनको देखकर भाग गए। रास्ता नहीं छोड़ा तो वो जाके राजा के तालाब में कूद गए। अच्छा, कूदने के बाद उन्होंने बैग आने की कोशिश की तो हाथों में अधे लेके खड़े थे कि वापस हम तुझे इससे मारेंगे। आज आप चक्का जाम कर रहे हैं, क्या दर्शाना चाह रहे हैं? बॉडी तो निकाले, 24 घंटे हो गए, बॉडी पानी में से नहीं निकाल रही है, इंतजार करो। कितना इंतजार करें? कौन बोल रहा है? पुलिस वाले ऐसा ही बोल रहे हैं, इंतजार करो। कितना इंतजार करें? आप लोग कुछ कर ही नहीं रहे हैं। बॉडी तो निकाल के दे, मर गया ठीक है, बॉडी तो दे, बॉडी तक निकाल के नहीं दे रहे हैं, ये कह रहे हैं इंतजार करो। कितना इंतजार करो? 24 घंटे हो गए। आप जो है ना योगी पुलिस हाय हाय बोल रही है, क्या कारण है, पूरा क्या मामला है? कारण इसका ये है, कल हमारे मोहल्ले में पुलिस वालों ने कुछ मासूम बच्चों को खदेड़ा। खदेड़ने की वजह कुछ नहीं थी, पता नहीं कि क्यों खदेड़ा, इतना खदेड़ा कि वो बच्चा जाके डर की वजह से तालाब में कूद गया, और कूद जाने के बाद जब वो निकलने की कोशिश कर रहा था तो पुलिस वाले, विष्णु नाम का एक पुलिस वाला था, तो ये कह रहा था इसको मार दो, बेटा मार दो, तो डर की वजह से वो बाहर नहीं आ पाया, जिसकी वजह से पानी में घुसने से उसकी मौत हो गई। और मौत होने के 22 घंटे के बाद तक अभी तक उसकी डेथ हो गई, तो बाहर नहीं निकला। पुलिस वाले रक्षक होते हैं या भक्षक होते हैं? तो अच्छा, पुलिस ने छापा क्यों मारा था? पुलिस ने छापा, पुलिस का तो काम है, अगर पीछे बच्चे कुछ खेल रहे हैं तो बाहर आके उगाही करते हैं, पैसे की उगाही करने के लिए वो आए दिन आते हैं इस मोहल्ले में। अच्छा, क्या वारंट था उनका? कोई वारंट नहीं था, ये तो बात की कहानियां बनी हुई है। अगर वारंट था, अगर कोई अपराधी भी है, क्रिमिनल भी है, तब भी उसकी रक्षा की देनदारी पुलिस की होती है, उसको सजा मिले, सजा देनी चाहिए, लेकिन उससे आप लोगों ने उसको मार दिया। अभी तक कितने घंटे हो गए नहीं मिला? 24 घंटे हो चुके हैं। बाबूजी, क्या नाम है अपना? गुलजार नाम है सर। गुलजार जी, ये बच्चा जो आपका खत्म हुआ है, कैसे क्या हुआ है और कहाँ पे हुआ है ये? सर, हम लोग जो है आफरा आवाज रहते थे। अच्छा, यहाँ हमारे भाई रहते हैं, तो यहाँ वो घूमने आता था, तो इसका वारंट था आगरा गेट चौकी की पुलिस उसको लगेड़ रहा आज, तो भाग गए वो धारों की तरफ, और एक जो था जो तालाब में कूद गया अपने बचाव के लिए। बच्चा आपका? हाँ। फिर अब वो खत्म हो गया, अब उसको कोई निकालने की कोशिश नहीं की गई। अभी तालाब में डूबा है ये। कितनी उम्र है इसकी लगभग? इसकी उम्र अभी होगी सर करीब 25-26 के लगभग है। अच्छा, पुलिस अभी तक नहीं आई? नहीं। क्या चाह रहे हैं अब आप? अब हम ये चाह रहे हैं कि लाश निकल जाए, अपने जो भी करना है वो करें। अपर साहब, एक दबिश के दौरान एक युवक ने तालाब में डूब गया, क्या मामला है? ये दबिश की बात नहीं है, एक रिजवान नामक लड़के की बात आई है, और वो तालाब में, एक बड़ा सा तालाब है, उसमें उसकी तैरते हुए वीडियो भी है, और तालाब काफ़ी गहरा है, वीडियो कुछ दूर उसके तैरने का है, इसके बाद वो लग रहा है वहाँ पे डूब गया है, उसके आगे वो नहीं तैर पाया है। उसके बारे में पता हुआ कि वो एक उसके कुछ आपराधिक रिकॉर्ड भी है, और किन परिस्थितियों में वो तालाब में चला गया है, इस बारे में उसके परिजनों से बात की जा रही है। जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो भी बता रहे हैं कि यहाँ का रहने वाला वो नहीं था,
और अभी हमारी जो पुलिस टीम है उसको खोजने का उसका तालाब में तलाश कर रही है। इसके अलावा हमने पीएससी के गोताखोर और डीआरएफ की टीम भी अभी बुलाई है। हमारे फायर ब्रिगेड की जो टीम है उसके द्वारा भी रेस्क्यू का काम किया जा रहा है। सबसे पहले हमारा काम है कि हम उसकी जो जहाँ पे वो डूबा है उसकी तलाश कर रहे हैं और उसके बाद फिर अग्रिम कार्रवाई। उसके पिता ने आरोप लगाया है कि वारंट था उसके खिलाफ और पुलिस उसको पीछा कर रही थी, इसको हो सकता है वारंट रहा हो और पुलिस को देख के ही वो तालाब में गया हो, तो ये तो बाद की बात है। पहले हम उसकी तलाश कर रहे हैं, तालाब में जहाँ डूबा है उसकी तलाश कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो अगर सूत्र कह रहे हैं कि जैसे कि पुलिस पीछे दौड़ रही थी अभी आगे दौड़ा, हाँ हो सकता है वो, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने वही बात आपको कही कि वो उसका कोई वारंट रहा होगा। इस बारे में भी अभी हमें पता नहीं है, हम स्थानीय पुलिस से पता करेंगे कि पुलिस उसको क्यों तलाश रही या पुलिस तलाश रही थी या नहीं रही थी, किसी डर बस वो तालाब में चला गया, इसको हम अभी सब पता कर रहे हैं।